प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो आ रहा हूँ आप सबके में। आप देख रहे हैं सत्या बायरू चैनल। वेलकम टू सत्या बायरू चैनल। मैं हूँ सत्या। आज हम बात करने वाले हैं जिस पिक्चर का नाम है पल पल दिल के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसे ले पिक्चर डायरेक्ट किया है सनी देओल, और उन्हें खुद अपने बेटे को इस पिक्चर में एक्टिंग करवाए हैं, जिनका नाम है करण देओल, और हीरोइन के रोल कर रही है सायरा बम्बा, और सपोर्टिंग एक्टर्स है सिमोन सिंह, और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सचिन। जैसलमेर पिक्चर एक लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी पे बेस है। इस पिक्चर में सनी देओल ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किए हैं एक नए एक्टर के तौर में। दरअसल उनके बेटे पहले भी एक पिक्चर में उन्होंने एक्टिंग नहीं की, बल्कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर में उन्होंने काम किए हैं। दरअसल उनका ये पहला पिक्चर है, इसलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम ही इस पिक्चर में रखा है, और हीरोइन का नाम भी इसमें उनका वही नाम रखा है। दरअसल इसके लिए इन्होंने इस तरह किया है ताकि उनका पब्लिसिटी हो और लोग उसी नाम से जाने जाएं अगले पिक्चर तक। दरअसल एक पिक्चर इस तरह है, दरअसल हीरो के जो माँ बाप होते हैं वो एक पहाड़ी में जो बर्फ होता है, बर्फ का हिमपात जो कहते हैं, उसके कारण बर्फ का जो तूफान आता है उसी तूफान में लिपटा जाते हैं तूफान में, और उसी तूफान में वो मारे जाते हैं। दरअसल ये पिक्चर इस तरह है कि हीरो जो है एक टूरिस्ट गाइड की तरह काम करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, जो पहाड़ चढ़ना पसंद करते हैं, वैसे एक गाइड की तरह इसमें काम करते हैं, और पहाड़ी इलाके में पले पले बड़े रहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप लद्दाख जैसे इलाके दिखाते हैं, और वाकई जो पहाड़ चढ़ना पसंद करते हैं और इस तरह ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए पिक्चर काफी अच्छा लगेगा। लोकेशन काफी अच्छा दिखाया है इस पिक्चर में। जो है दरअसल हीरोइन जो है एक दिल्ली से होती है और एक वीडियो ब्लॉगर होती है, और वो ये चाहती है कि जो हीरो जो कर रहा है ये काम, ये सब लोगों से पैसे लूटने का एक तरीका है। दरअसल ये सब सच नहीं है, झूठ है, पर ये हीरोइन ये साबित करने लगती है। दरअसल हकीकत में क्या होता है कि हीरोइन खुद जाती है और खुद ट्रैकिंग करती है हीरो के साथ, और हीरो अपना काम करते हैं एक गाइड की तरह, और आखिर में दोनों के बीच प्यार हो जाता है। बस ये पिक्चर इसी तरह चलता है, थोड़ा लव, थोड़ा थोड़ा गाने, और थोड़े एक्शन, थोड़े दुखद भरी सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं। असल पिक्चर आखिरी में कुछ पिक्चर में इतना कुछ दर्द नहीं है, बल्कि बस वही हर पिक्चर की तरह प्यार और थोड़ा एक्शन, थोड़ा गाने, रोमांस, ये सब बस इसी तरह है इस पिक्चर में। पिक्चर ऐसा कुछ कहने लायक तो है नहीं, पर ठीक है, अब जिसको ज्यादा रोमांस पिक्चर देखना पसंद करते हैं और थोड़ा पहाड़ी इलाके जैसे दिखा को देखना पसंद करते हैं पिक्चर में, थोड़ा बर्फी इलाका दिखाया जाता है ऐसा देखना पसंद करते हैं, तो पिक्चर तो आप देख सकते हैं। दरअसल पिक्चर में डायरेक्शन तो काफी अच्छा है, क्योंकि सनी देओल जी ने किए हैं, और वाकई ऑलरेडी पहले पिक्चर में उन्होंने डायरेक्शन का काम किया है, इसके लिए वो काफी अच्छे किए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। पर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है सिनेमाटोग्राफी, थोड़ी एडिटिंग में, पर आप देख सकते हैं पिक्चर। आप देखना चाहे एक प्यार लव रोमांस की पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बल्कि इस पिक्चर में ऐसे कुछ कहने लायक है नहीं। ठीक है, ओके, पर पिक्चर को तो इतना कुछ रेटिंग भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप देना चाहे देख सकते हैं, अगर आप रोमांस पिक्चर देखना चाहते हैं तो ठीक है, बल्कि पिक्चर में कोई दम नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, बाहर कहीं भी जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाइएगा और सीट बेल्ट लगा के जाइएगा। अगर कार लेके जा रहे हैं और बाइक टू व्हीलर लेके जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, घर में सबका ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।